वी डिजर्व द लाइनअप डोंट वी? यू ऑब्वियसली क्या डिजर्व क्या, सी दिस इज ई स्पोर्ट्स गाइज, वी हैव टू वर्क इन अ वे विच इज थोड़ा सा ऑब्वियसली फ्रॉम द प्रोफेशनल फ्रंट. हम लोग ऐसे ही लाइनअप हवे में नहीं बोल सकते अनटिल वी फाइनलाइज एवरीथिंग. ठीक है, वंस एवरीथिंग इज फाइनलाइज यू विल डेफिनेटली डेफिनेटली कम टू नो अबाउट द लाइनअप. तो डोंट वरी, इंट इंट का क्या बात है, आप देखो स्क्रिम सिम्स इंजॉय करो. क्राउड का लड़का, आउट का लड़का कौन है भाई? गोल्डी भाई सेड यू कैन रिवील, आई कैन नॉट रिवील, इन इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल. फर्स्ट उतनी ज्यादा भले ही अच्छी ना हो, ओ बट ऑल इन अटैक यहाँ पर आएगा उसी, इनके पास स्मोक के बीच में यहाँ पर प्रोनाउन है. आई थिंक यहाँ पर एक 1v2 भी हो सकता है. समथिंग ग्रेट इज हैपनिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये सिनेरियो बनने वाला है. मुश्किल के अंदर अभी जरूर है श्राउड का लड़का. एक एरियल व्यू की तरफ हम चलना चाहेंगे. ये देखिए किस लेवल की स्काउटिंग यहाँ पर, बिल्कुल उन्हीं की कंपाउंड की छत पर यहाँ पर बैठे हुए श्राउड का लड़का. कोई मूवमेंट नहीं है यहाँ पर, कुछ भी सिनारियो जो है इनके फेवर में अभी के लिए नहीं है. बट ये स्मोक कब तक अंकी, और थोड़ी सी देर के बाद ये स्मोक खत्म हो जाएगा, स्पॉट आउट कर लिया जाएगा. विद दैट उसी अटैक की बारी, बट श्राउड का लड़का गोस डाउन. पहली ओपनिंग निकली एंड नॉट ओनली फर्स्ट, आई थिंक वहां पर वैक्सी ने भी एक ओपनिंग निकाल दी. सो ये थोड़ा सा टफ जरूर से रहने वाला है टीम मवी के लिए. जी हाँ, आप टीम मवी की बात करें, दो प्लेयर्स यहाँ पे स्टैंडिंग बचते हैं, स्काउट और मवी. वो जो जोड़ी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो डेडली कॉम्बिनेशन है वो एक बार फिर से वापस आ चुका है. और श्राउड का लड़का की बात करें तो उनके पास वहां पे कुछ खास ऑप्शन बचते नहीं थे, काफी देर तक उन्होंने अपने आप को वहां पर सेव करके रखा. और भाई अभी जिस तरीके से उन्होंने वो जो अपना अप्रोच दिखाया, मेरे ख्याल से अगर किसी को नहीं भी पता होगा कि वो कौन थे तो बिल्कुल पता चल जाएगा था, मैन विद दैट आईक्यू. वो सिर्फ एक ही बंदा है जो ऐसा काम कर सकता है, एंड ऑब्वियसली वी वोंट टेक द नेम, बट अगेन यहां पर जो जनता है वो ऑब्वियसली समझदार होगी. ओआरके मावियन स्काउट ओपी. अब यहां पर 2v3 की सिचुएशन देखने को मिल रही है, 2v3 का सिनेरियो जो हमें देखने को मिल रहा है, क्लोज इन करने के लिए जा रहे हैं. वाटर सिटी पे फाइट हो रही है इनकी. एक डाउन है, ओआर का एक डाउन है, दो डाउन मावी का भी. नहीं नहीं नहीं, एक सोल का डेड है और एक ओआर का डेड है. हाँ, दोनों पे देखता हूँ. अब भी फाइट स्टार्ट होगी कब है? कल ही आएगा या आप लेट ही आ रहेगा? लेट आ रहा होगा टप्पू से ना. अपना बहुत जल्दी थी रोटेशन मुसलमान पर. नहीं नहीं नहीं, एज पर लीक्स माव, अरे कितने बार लीक करोगे, बोल दिया ना, मावी इज IGL फॉर SA12. ओके डन, एक्सेप्टेड. मावी इज वन ऑफ द बेस्ट IGL, आई हैव टोल्ड बिफोर आल्सो. बजाज आर वाचिंग, लेका सोल खेल रही है, मैंने बोला था सोल नहीं है वो, लोड़े अलग अलग बंदे हैं, टीम मावी है वो, समझ जाओ ना. है तो सोल ही ना, मना कर दिया उसने स्ट्रीम पे, कह रहा नहीं है. उसने कहा कि कुछ फाइनल नहीं है, श्राउड का लड़का इज मॉर्टल आई थिंक. अरे भाई क्या बोलवा रहे, आदित्य आदित्य कन्नौजिया ने पूछा है कि श्राउड का लड़का कौन है. मेरे हिसाब से श्राउड का लड़का होना चाहिए मोर्टल. जहाँ तक मैंने सुना है मोर्टल इज ग्राइंडिंग लाइक 7-8 घंटे डेली ग्राइंड मार रहा है, मतलब ओप स्ट्रीम वो अभी बैटल ग्राउंड ही ग्राइंड मार रहा है. और जहाँ तक है श्राउड का लड़का होना चाहिए मोर्टल या फिर वाइपर, इन्हीं दो में से एक है, बट मोस्ट ज़्यादा चांसेस है कि ये मोर्टल है. एंड वो तब आगे ग्राइंड कर रहा है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो कंपेटिटिव में कम बैक मारेगा. मैं गलत हो सकता हूँ उस पर, बट आई थिंक ये श्राउड वो मोर्टल है, सॉरी. बाकी लेट्स सी, मोर्टल ग्राइंड कर रहा है एंड देखते हैं क्या होता है, मोर्टल कम बैक मारेगा क्या.